आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इंटरनेट के सबसे ज्यादा वायरल पीतमपुरा के बकवास छोले कुलचे, जिसमें इतनी ज्यादा चिकनाई डाली जाती है कि खाने के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। खाने वालों की इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, इन लोगों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक प्लेट छोले कुलचे के अंदर कितनी सारी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। पर इतना जरूर जानता हूँ, इतनी चिकनाई खाने के बाद अच्छे भले इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार यहाँ छोले कुलचे बनाए किस तरीके से जाते हैं। और सबसे पहला कटा हुआ धनिया डाल दिया गया है। धनिया डालने के बाद अब इसमें जाएगी ढेर सारी कटी हुई प्याज। प्याज डालने के बाद अब इसमें जाएगा नींबू का खट्टा पानी, ताकि इसमें थोड़ा खटानपन भी आ जाए। और यहाँ एक दो प्लेट छोले कुलचे की तैयार नहीं होती, कम से कम एक बार में 30 से 40 प्लेट एक बार में छोले कुलचे की तैयार की जाती है यहाँ पर। नींबू का पानी डालने के बाद अब इसके अंदर जाएंगे ढेर सारे कटे हुए टमाटर। अगर आप लोग खाने के अंदर ढेर सारा मक्खन या फिर कोई चिकनाई खाने की क्षमता रखते हो तो ये जगह आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। पर जो लोग चिकनाई वगैरह से दूर रहते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा यहाँ पर आने के लिए। टमाटर डालने के बाद अब इसके अंदर डाले जाएंगे छोले। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में भगोना भर भर के छोले डाले जा रहे हैं। काफी लोग ये नहीं पता होता कि इसको छोले बोला जाता है या फिर मटर बोला जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो, इसको एक्चुअली में मटर बोला जाता है, जो कि छोले के नाम से दिल्ली के अंदर मशहूर है। छोले डालने के बाद अब इसके अंदर डाले जाएंगे कुछ इनके पर्सनल मसाले। डाला जाएगा नमक पहले, उसके बाद डाला जाएगा गरम मसाला, देन उसके बाद डाली जाएगी इस पर लाल मिर्च। देख सकते हो आप कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ लाल मिर्च डाली जा रही है। दबा दबा के यहाँ लोगों को खिलाया जाता है, इसलिए यहाँ लोगों की ज्यादा तबीयत खराब रहती है। सारे मसाले डाल देने के बाद अब इसको अच्छे से चलाया जाएगा, ताकि अपने सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से इनहेंस होकर आए। मेन प्रोसेस तो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए कैसे भर भर के तवे के ऊपर चिकनाई डाली जा रही है। और अब हमारे छोले जाएंगे यहाँ पर फ्राई होने के लिए। सबसे पहले प्याज डाल दी गई है। प्याज डालने के बाद अब इसके जाएंगे एक प्लेट के अंदर कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब इसको अच्छे से चलाया जाएगा। ऊपर से जाएगी हल्की सी लाल मिर्च। मिर्च डालने के बाद अब डाले जाएंगे इसके अंदर छोले फ्राई होने के लिए। देखिए पहले ही इन्होंने 4 से 5 बार बटर डाला था, अब फिर से इसके ऊपर से बटर डाला जा रहा है। मतलब बटर के अंदर नहला दिया इन छोलों को। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और बटर डाला जाएगा। छोले फ्राई होने के बाद जिन जिन लोगों की पैकिंग है, देखिए छोले पैकिंग के कंटेनर में भर के फिर से उसके ऊपर बटर का तड़का मारा जा रहा है। अब आप लोग ही बताइए, क्या इतना ज्यादा चिकनाई ठीक है हमारे शरीर के लिए? छोले के अंदर कितना ज्यादा बटर का इस्तेमाल किया गया है वो तो आपने देख ही लिया। अब बारी है कुलचे की, कैसे भर भर के बटर को तवे के ऊपर डाल दिया गया है। और अब इन कुलचों को मक्खन में डुबो डुबो कर कैसे सेका जाएगा। सारा का सारा मक्खन कुलचे के अंदर जा चुका है। और एक ही कुलचा नहीं, हर एक कुलचा ऐसे मक्खन में डुबो डुबो कर कस्टमर को दिया जाता है। कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, जो भी इतनी चिकनाई खा भी लेते हैं। मेरा तो ये देख कर ही मन भर गया था। पूरे तवे के ऊपर इन कुलचों को नहला दिया गया है और अब हमारे यहाँ कुलचे सिक्के तैयार हो चुके हैं। दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन खाने में कैसे होंगे वो आप सभी को पता है। अब एक एक करके कस्टमर को सर्व किया जाएगा। केवल और केवल 5 से 10 मिनट के अंदर छोले कुलचे खत्म हो जाते हैं। और इस दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि आप जब भी आओगे आपको आधा घंटा वेट करना होगा अपने नंबर का, तब कहीं जाके आपको छोले कुलचे मिलेंगे। तो गाइस मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंडेशन करूंगा आपको यहाँ छोले कुलचे ट्राई करने के लिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ठीक है इतनी ज्यादा चिकनाई हमारे शरीर के लिए। और अगर नहीं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा। तो खैर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए यहाँ के छोले कुलचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस पेज को फॉलो कीजिए।